ईसा मसीह में आदरणीय याजकन एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया की पूजन पद्धति के अनुसार आज हम एक नए काल में प्रवेश कर रहे हैं, एलिय्याह सलीम मूसा का। इस काल में हम विशेष रूप से क्रूस की जीत और ईसा मसीह के दूसरे आगमन के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। आज के चारों पाड़ों द्वारा माँ कलीसिया हमें बताती है ईसा मसीह हमारे जीवन में कैसे आता है और उसके लिए हमें क्या करना होगा। आज के पहले पाठ में आज्ञाओं को पालन करने वाले उस जनता के ऊपर ईश्वर कितना अनुग्रह बरसाता है हम देखते हैं। अगर हम ईश्वर की राहों पर चलेंगे तो हम ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे तो ईश्वर हमें भरपूर आशीष देगा, यही आज के पहले पाठ हमें देने वाला संदेश। आज के दूसरे पाठ में नबी कहते हैं पश्चाताप करो और ईश्वर की ओर मुठो। मिस्र में अन्य देवताओं और लौकिक चीज़ों के पीछे भागने वाले इसराइल जनता से नबी कहते हैं इंसान श्वास मात्र है लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इंसान श्वास मात्र है लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इसलिए वो सर्वशक्तिमान ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हुए हमें विश्वस्त रखना होगा और उस ईश्वर की ओर लौटना पड़ेगा। तसलनीकियों की कलीसिया की पत्र में संत पौलुस उस कलीसिया को डारस बांधते हुए कहते हैं जो इंद्रनाएं उन लोग चल रहे हैं वे सब ईश्वर की महिमा के लिए हैं। अगर हम खुशी के साथ हमारे सामने आने वाले पीड़ाएं चल रहे हैं तो सहन करेंगे तो हम ईश्वर की महिमा के दर्शन करेंगे। आज के समाचार की ओर नज़र डालेंगे तो ईसा मसीह की यात्रा के दौरान होने वाले ये कुछ घटना हम देखते हैं। अंधे को दृष्टि देने वाला ईसा मसीह। इधर हम एक सुंदर प्रार्थना पढ़ते हैं, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। सुसमाचारों में बहुत कम लोग ही ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचानते हैं। एक अंधा आदमी जिसके लिए सब कुछ अंधेरा है उस इस जगत के ज्योति को पहचानते हैं। ईसा मसीह को ईश्वर पुत्र और मानव पुत्र के रूप में घोषणा करते हैं। उस अंधे आदमी को पता चला था जो रास्ते से गुजर रहे हैं वह खुद को ठीक कर सकता है, उन्हें चंगाई दे सकता है। उसके पुकार में उसकी लाचारी है, दर्द है, आशा है, चिंता है, दुख है। इसलिए उसने लोग चुप रखने के कहने के बावजूद भी पुकारते हैं, चिल्लाते हैं। उसकी रोना में सिर्फ एक ही इच्छा थी, उन्हें चंगाई प्राप्त करना। उसकी रोना प्रार्थना के माध्यम से ईसा के कानों में गूंजते हैं और ईसा मुड़कर उन्हें चंगाई देते हैं और उस संधा ने खुशी खुशी के साथ रंगों की इस दुनिया में लौटते हैं। आज के सुसमाचार हमें बहुत आशा देते हैं। ये सुसमाचार अलग अलग दृष्टिकोणों की इस दुनिया में हमें ले जाते हैं, मानव की दृष्टि और ईश्वर की दृष्टि। मानव अपने को समाज के हिस्से के रूप में मानते हैं, इसलिए वह ये सोचते हैं समाज मुझे कैसे देखते हैं। ये सोच मानव इंसानों की बारे में उनके सोच में ईश्वर के बारे के उनके सोच में प्रभावित करता है, ये उनके पतन के कारण बनता है। ध्यान दें, आज के समाचार में समाज ने उस अंधे व्यक्ति को ईश्वर को पुकारने से रोकता है। उनकी प्रार्थना उनके लिए घृणित था और उनका रोना उनके लिए अरोचक थे, लेकिन ईसा के लिए उनकी रोना अरोचक नहीं था, उनका प्रार्थना घृणित नहीं था, इसलिए उसने उस अंधे को चंगाई देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के समाचार हमें ये पूछते हैं, ईसा मसीह कई बार रोज हमारे जीवन में आते हैं, क्यों हमने ईसा मसीह को नहीं पहचाना? ईसा मसीह को देखने, मिलने, उससे बात करने, हमारे हृदय की दुखों को खोलने के लिए, उससे चंगाई प्राप्त करने के लिए हम नहीं गया। प्यारे दोस्तों, जब रोज हम इस मंदिर में आते हैं तब हमें यह सोचना है हमारे पापों से प्रभु ईसा मसीह हमें मुक्ति दे। प्यारे दोस्तों, हम ये प्रार्थना करें ईसा मसीह हम उच्चे दर्शन दे, ईसा मसीह की महिमा दर्शन करने के लिए हमें प्रार्थना करना है। इसके लिए
प्रभु हम सबको आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।